तो दिल्ली में एनडीएना 38 पक्षों की आज बैठक है, तेना सीधा ज दृश्यों आप जोई रहा छो। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी की आगेवानी में बैठक नु आयोजन है ते करवामां आव्युं छे। एलजेपीना चिराग पासवान पण बैठक में हाजर रहेवाना छे। एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर की उपस्थिति पण रहेशे। तो एनसीपी एआईएडीएमके सहित पार्टी नेताओं पण बैठक में जोड़वाना छे। लोकसभा चूंटणी 2024 में जे आवी रही छे तेने लईने भाजप तमाम तड़ामार तैयारीओ छे ते करी रह्युं छे। भाजप द्वारा शक्ति प्रदर्शन पण करवामां आवी रह्युं छे। तो 2024 लोकसभा इलेक्शन जेम जेम नजीक आवी रह्या छे तेम तेम भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार अने एनडीएना तमाम जे पक्षों छे ते त्यारे हाल में एक बाद एक बैठक करी रह्या छे। तो सामे विपक्षी दलों पण एकजूट थई रह्या छे। तो आ तरफ एनडीए द्वारा पण मीटिंग नु आयोजन छे ते करवामां आव्युं छे। वडाप्रधान मोदी नी आगेवानी में बैठक नु आयोजन करायुं छे। वधु माहिती मारे संवाददाता देवनाथ पांडे जोड़ाई चुक्या छे। देवनाथ जी, दिल्ली में एनडीए के 38 पक्षों की आज बैठक है, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, साफ तौर से दिल्ली के अशोका रोड में एनडीए के साथ साथ जो 38 घटक दल हैं उनके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बैठक हो रही है। और इस बैठक में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों या फिर उनके उप मुख्यमंत्री हों दुष्यंत चौटाला हों या फिर जितने भी पार्टियां एनडीए के साथ घटक दल में शामिल है वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचे हैं और इस बैठक की शुरुआत हो गई है। इस बैठक को ठीक उसी तरह से देखा जा रहा है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव को नजदीक है जिस तरह से, और कांग्रेस पार्टी लगातार पहले पटना में बैठक देखने को मिला और विपक्ष का बैठक जब आज बेंगलुरु में भी हुआ कल भी देखने को मिला, तो इसको कांग्रेस का जवाब ही कह सकते हैं, विपक्ष का जवाब कह सकते हैं। लेकिन इसके जवाब के साथ साथ आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। और आज हमने देखा जब एक एक करके जो एनडीए के घटक दल में शामिल है जब उनके नेता पहुंच रहे थे जी, लगातार देखने को मिल रहा था काफी हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे। तो शायद 2024 वापस फतेह करना है, मोदी लहर बरकरार रखना है, इस चीज के लेकर जो है लगातार मंथन चल रहा है। ये बैठक अब सबसे अहम बात है कि शुरू। देवनाथ, आप जुड़े रहिए, आपसे हम संपर्क बनाए रखेंगे। तो जेव रीते एलजेपीना चिराग पासवान पर बैठक में हाजर रहेवाना छे ने विपक्षी दलों की बेंगलुरु में जे बैठक एक तरफ चाली रही है, बीजी तरफ एनडीएना जे पक्षों छे तेओनी पण आजे बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। तो पीएम मोदी आप जोई शको छो के बैठक में भाग लेवा माटे आवी पहोंच्या छे। पीएम मोदी की आगेवानी में बैठक थशे तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पण अत्यार हाजर छे अने पीएम मोदी स्वागत करी रह्या छे। जी देवनाथ, पीएम मोदी बैठक में शरीफ होने के लिए आ गए हैं और उनका स्वागत भी किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जैसा मैंने कहा कि पहुंचे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इस समय देखा जाए तो अशोका होटल जहां पर इस बैठक को बुलाया गया है, बैठक को अशोका होटल को चारों तरफ से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से जिक्र मैं कर रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बना चुका है, तो विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के घटक दल भी इस तरह के बैठक को जो है आयोजित कर रहे हैं। और आज की इस बैठक में तमाम वो रेखा तय की जाएगी कि 2024 का जो किला है वो कैसे फतेह किया जाए और बाकी आगे की और सारी रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक के बाद काफी सारी बातें मीडिया के समक्ष में निकलकर सामने आएंगी, तो उसमें भी और कुछ देखा जा सकता है। जी जी देवनाथ, जिस तरह से बैठक का आयोजन किया गया है और सामने विपक्ष के द्वारा भी बैठक का आयोजन किया गया है, बेंगलुरु में चल रही बैठक में तय हुआ है कि अब उनके गुट का नाम इंडिया होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर से कल से जो बैठक बेंगलुरु में विपक्ष की देखी जा रही है उसमें फिर ये हुआ था कि पहले यूपीए नाम देखा जा रहा था, लेकिन कल की बैठक के बाद एक तरह से अब विपक्ष का जो वो है उसे एनडीए नाम दिया गया है और अब इंडिया बनाम एनडीए हो चुका है। ये लड़ाई अब इंडिया बनाम एनडीए हो चुकी है, लेकिन इंडिया नाम होने के बाद अब कई सारी असमंजस वाली स्थिति देखने को मिल रही है कि आगे जब जिस तरह से देखा जाता है कि बयानबाजियां होती हैं, इन बयानबाजियों में अब क्या एनडीए और बनाम एनडीए जब होगा तो इस तरह से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी, ये देखना जो बड़ा अहम होगा। बाकी हम आपको और यहाँ की नजारे या तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं प्रतिभा अभी।
और यहाँ पर क्या माहौल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद? जी देवनाथ, जिस तरह से बैठक का आयोजन किया है, आप आगे भी जुड़े रहिएगा, हम आप से संपर्क करते रहेंगे। तो जे रीते बैठकनું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, પીએમ મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે અત્યારે હાલમાં, અને જેપી નડ્ડા દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। અન્ય જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે તેઓ પણ હાજર રહ્યા હતા, અને બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 2024 લોકસભાના ઇલેક્શન જેમ જેમ નજીક આવી રહ્યા છે તેમ ભારતીય જનતા પાર્ટી મોદી સરકાર છે તે અત્યારે હાલમાં સંગઠિત થઈ રહ્યું છે, એકત્રિત થઈ રહ્યું છે, અને કેવી રીતે 2024નું લોકસભાનું રણ જીતવું તેના માટે પણ તમામ જે વિચારસરણી છે, તૈયારીઓ છે તે અત્યારથી જ કરવામાં આવી રહી છે। જો કે લોકસભા ઇલેક્શનને હજી 6-8 મહિનાની વાર છે। તો વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા દેવનાથ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। દેવનાથજી, 2024 લોકસભા ઇલેક્શન કો અભી 6-8 મહિને કા સમય બાકી હૈ, પર અભી સે બીજેપી ને તૈયારીયા શરૂ કર દી હૈ, અલગ અલગ રાજ્યોમાં ભી બીજેપી કે દ્વારા रैलियों का भी आयोजन हो रहा है, और अभी भी जो बैठक है उसमें भी बड़े दिग्गज जो नेता है सब उनका समावेश हुआ है। कौन कौन सी मुख्य मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? देखिए प्रतिभा, बिल्कुल इस बैठक को काफी अहम रूप से देखा जा रहा है। जैसा आपने भी जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, और कुछ महीने बचने से पहले ही जिस तरह से जिक्र ये भी किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष लगातार बैठकों का दौर कर रहा था और पूरा विपक्ष हाथों में तो पहले हमने पटना में वो तस्वीर देखी, और पटना की तस्वीर जब निकल कर सामने आई और काफी वो बैठक विपक्ष की काफी सफल भी कही गई। उस बैठक में कई तरह की चर्चाएं हुई थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि राहुल गांधी को दूल्हा बन। अब जब सेकेंड टर्म का बैठक हुआ और इस बैठक को लेकर काफी चर्चाएं पहले से हो रही थी कि कांग्रेस जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को बुलाएगी तो ये बैठक कितना सफल होगी, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होंगे, और बाद में ये निकल कर सामने आए कई सारी ऐसी पार्टियां भी हैं जो पहले अटेम्प्ट में शामिल नहीं हुई थी लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के बैठक में शामिल हुई थी। अब जब कांग्रेस बेंगलुरु में बैठक कर रही थी तो अब बीजेपी का जो एनडीए है, जो एनडीए घटक दल है, उनका भी बैठक जरूरी था। अब यहाँ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जरा कैमरा घुमाने के लिए, तो देखिए अशोका होटल है दिल्ली का ये, और बिल्कुल ये फ्रंट पे आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा धीरे धीरे लग रहा है, और अब कई ऐसे नेता हैं जो एनडीए घटक दल में शामिल हैं वो अंदर पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुँच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुका है। और जैसे देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद जो है इस बैठक को शुरू किया गया। इस बैठक के बाद जो है तमाम बातें निकल कर सामने आएंगी। प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद मौजूद है तो स्वाभाविक है, लेकिन इस बैठक को दिखाकर या फिर इस बैठक को बुलाकर आज बीजेपी और एनडीए ने भी साफ तौर से इस मैसेज को देने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अगर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और बैठक लगातार कर रही है, विपक्ष के बड़े बड़े नेता एक साथ आ चुके हैं, करीब 26 पार्टियां आ चुकी हैं, तो एनडीए घटक दल भी उनसे कम नहीं है, और आज 38 जो पार्टियां यहां पर उनके नेता पहुंचे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए का जो मनोबल है वो इसलिए भी ज़्यादा 14 से लगातार, चाहे 14 का लोकसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी अपने आप को ये मान रही है एनडीए घटक दल कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वही जादू देखने को मिलेगा जो जादू 2019 और 2014 में मिला था। तो कहीं ना कहीं ये जवाब देने की कोशिश कह सकते हैं आप एनडीए की तरफ से विपक्षी नेताओं को या फिर विपक्ष की जो बैठक लगातार हो रही है उन्हें ये देने की कोशिश की गई। जी प्रतिपाल जी, आभार देवनाथ जी समग्र जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।